दोस्तों ये हमारा सुखराज मशीनरी कंपनी एंड नानकना मशीनरी कंपनी, गुरकीरत मशीनरी कंपनी, अनमोल मशीनरी कंपनी में आपका स्वागत है। जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसमें बहुत सारी नई नई वीडियो जो है, नए नए जो बिजनेस है वो अपडेट होते रहते हैं। आप हमारे सभी चैनल को सब्सक्राइब करो सभी चैनल को, और इसको लाइक करो, शेयर करो और ग्रुप में आगे शेयर करो हमारी वीडियो को, क्योंकि जो हम नए नए बिजनेस डालते रहते हैं वो आगे जो को लोग किसी ने बिजनेस करना है उनको पता चले। आप आगे शेयर करते रह करो वीडियो हमारी। जो दोस्तों आज मैं नया बिजनेस जो है एक आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये टिशू पेपर नैपकिन वाली मशीन जो है, टिशू पेपर जो बोलते हैं जो नैपकिन होता है, इसकी मशीन है। ये देखो पूरी फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ये पूरा रोल लगता है, ये देखिए इधर, ये पूरा पेपर का रोल है। ये पूरा पेपर का रोल 15 GSM 18 GSM जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल मिल जाता है, आम मिल जाता है, सब जगह मिल जाता है। ये हम बता भी देंगे जहाँ जहाँ मिलता है, जेकर आप मशीन हमारे से लेते हो। ये रोल पेपर का रोल मिलता है, ये 15 GSM 18 GSM होता है। ये पेपर का रोल इधर ईजी है लगाना, बहुत ईजी है लगाना, ये लगा सकते हो। इधर हमारा ब्रेक भी लगा हुआ है, ये देखिए आगे पीछे, इधर को सीधा करना है पेपर को, सीधा कर सकते हो जिधर मर्जी, इधर उधर मशीन के हिसाब से। ये यहाँ से पेपर जाएगा, ये प्रिंटिंग यूनिट है, ये प्रिंटिंग यूनिट है। ये यहाँ से जो भी आप टिश्यू पेपर के ऊपर जो नाम प्रिंट करना चाहते हो, किसी रेस्टोरेंट का हुआ या कोई शॉप का, दुकान का, कोई भी जो ढाबे का, कोई भी जो नाम है प्रिंट करना चाहते हो, इसमें बहुत ईजी है। एक ब्लॉक लगता है, ब्लॉक लगा के उसमें 100 रुपये का ब्लॉक लगता है बस, ज़्यादा को महंगा नहीं होता। वो ब्लॉक लगा के इसके ऊपर प्रिंटिंग हो जाती है। प्रिंटिंग होने के बाद ये देखिए इधर से पेपर आएगा, इधर आके ये इधर पूरा लर्निंग हो जाता है, पूरा जो रूला जो है, ये पूरा जो डॉट डॉट बने होते हैं ना, ये डॉट बन जाते हैं। ये देखिए पेपर के ऊपर ये पूरा डॉट बन गया, ये पेपर के ऊपर लर्निंग बोलते हैं इसको, इसको ये एम्बोजिंग बोलते हैं। ये यहाँ से पेपर आएगा, यहाँ एम्बोजिंग होएगा, एम्बोजिंग होके पेपर में डॉट डॉट आ जाते हैं, एम्बोजिंग होएगा। ये एम्बोजिंग हो गया पेपर, ये देखिए दोनों साइड एम्बोजिंग हो जाता है, इधर भी एम्बोजिंग हो जाता है। एम्बोजिंग होके यहाँ से ये फोल्ड होके पेपर अंदर जाएगा, अंदर जाके ये फोल्ड हो गया, फोल्ड होके अंदर जाके ये कट होके पेपर यहाँ से आते जाते हैं नैपकिन जो है, यहाँ आके इसकी मतलब लाइन लग दी जाती है। और इसमें जितने भी पेपर का आपने सेट करना है, जैसे पेपर आपने 20-20 की पैकिंग करना है या 50 की करना है या 100 की पैकिंग करना है, ये मीटर में यहाँ से सेटिंग है, कितने पेज की सेटिंग करना चाहते हो, कितने नैपकिन पैकिंग करना है, यहाँ इसमें पूरा सेटिंग है। बाकी इधर वोल्टेज आते हैं, एम्पेयर आते हैं, स्विच दिए हुए हैं, हाई स्पीड स्लो स्पीड सभी स्विच दिए हुए हैं इधर। ये एमरजेंसी स्विच है, वोल्टेज मीटर भी हैं सभी हैं, ऑन ऑफ स्विच हैं, हाई स्पीड फास्ट स्लो जो भी करना चाहते हो। बाकी इसमें वेरिएबल स्पीड है, स्पीड इसमें कम ज़्यादा भी स्पीड कर सकते हो, जितनी भी स्पीड पे मशीन चलाना चाहो चला सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, ये घर की लाइट में जो पंखा बिजली जिसमें चलता है उसी बिजली से ये चल जाता है, ये चल जाती है मशीन। ये दोस्तों ये मैं बता रहा था आपको, ये फुली ऑटोमेटिक मशीन जो है, इसमें पेपर रोल लगा के सारा उधर से प्रिंटिंग होके, ये एम्बोजिंग होके, ये पेपर सारा इधर आ गया आपका, यहाँ से फोल्ड होके आगे कटिंग होता है। बाकी ये कटिंग होने के बाद ये देखो, ये इधर जो है ये वाला ब्लेड है, ये बैंड सा ब्लेड है ये वाला, ये इसमें जो नैपकिन है पूरा हाफ कटिंग हो जाता है, जो भी साइज का आपने कटिंग करना चाहते हो वो साइज का इधर कटिंग हो जाता है। इसमें बड़ा छोटा नैपकिन भी बन जाता है। ये देखिए जो नैपकिन है, मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए नैपकिन है, ये ऐसे पूरा फोल्ड, चार फोल्ड होके नैपकिन बाहर निकलता है, ये पूरे चार फोल्ड हो जाते हैं, ऐसे ऐसा पूरा फोल्ड हो जाता है। ऐसे वाले नैपकिन जो है इसमें बनते जाते हैं। जैसे इसमें पैकिंग करनी है 50 वाला पेपर एक ऊपर आ जाता है, ये अगर 100 की पैकिंग करना है 100 वाला पेपर एक ऊँचा आ जाएगा, ये 20 की करनी है 20 वाला एक पेपर ऊँचा आ जाएगा, वहाँ से उठा के पैकिंग करते जाओ। बाकी ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है पूरी, बस इधर से लेके गाड़ी आगे पैकिंग ही करनी है बस हाथ से, बाकी सारी एक ही आदमी चला सकता है। घर की बिजली जो है, पंखा बिजली लाइट जो चलती है जिसमें, उसी घर की लाइट में ही ये मशीन चल जाती है। और ये थोड़ी सी जगह में चल जाती है, ये एक रूम जैसे घर का रूम है, मशीन 12-13 फुट लंबी है, 14 फुट लंबी मशीन है। ये देखिए
और 4 फुट चौड़ी मशीन है। ये एक रूम में ऐसे मशीन जो है घर के रूम में एक में मशीन लग जाती है, बाकी थोड़ी जगह रॉ मटेरियल रखने के लिए चाहिए। ये देखिए अच्छा खासा बिजनेस है, इसमें अच्छा प्रॉफिट आ जाता है। इसमें जो पेपर है जिसका जो है तकरीबन 70 रुपये किलो पेपर मिलता है इसका, रॉ मटेरियल जो है आगे नैपकिन बन के जैसे 50 की पैकिंग करते हो 20 रुपये का बिक जाता है, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है। जैसे आपका पैकेट के हिसाब से बेचते हो 70 रुपये की आपने पेपर लिया, इसको पैकिंग करके आगे वेट के हिसाब से ये चेक करोगे तो 120 रुपये किलो या एक किलो के पीछे 40-50 रुपये किलो का प्रॉफिट आ जाता है। एक किलो के पीछे, एक पैकेट के पीछे जैसे एक पैकेट है उसमें 4-5 रुपये 4 रुपये का प्रॉफिट आ जाता है होल सेल में बेच सेल करके। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है, मतलब ये मशीन लगा के आप अच्छा बिजनेस करके और अच्छा कुछ ना कुछ घर में बैठे कमाई कर सकते हो। ये अच्छा बिजनेस है, अच्छा रुझान है। ये हमारी वीडियो जो आगे देखते रहा करो, बहुत सारी वीडियो है हमारी, बहुत सारे बिजनेस है और भी है हमारे, तो वीडियो देखते रहो, आपको बहुत सारी बिजनेस की जानकारी मिलती जाएगी।
धन्यवाद आपका, हमारे यूट्यूब में वीडियो देखने का धन्यवाद आपका, मतलब मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और आगे ग्रुप में शेयर करो इसको। थैंक दोस्तों, आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।